सर मैम, एक्चुअली मेरी बिटिया तरंग गॉड आपके स्कूल में HKG सी में पढ़ती है, तो उसका रिपोर्ट लेना था। रिपोर्ट? आप पूछो उसकी क्लास वो क्या करती है। मैम आप मुझे बता सकते हैं वो अपनी क्लास में क्या करती है, उसका बिहेवियर कैसा है, स्टडीज कैसे चल रही हैं? वो एक तो स्टडी करते वक्त बात करती है और सारे बच्चों को मारती है। ओहो, तो उसका मार्क्स दिखाऊं मैं? हाँ आपको बताएं। ये देखिए उसका मार्क्स। मैम ये तो बहुत कम मार्क्स है, कितने हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने मार्क्स हैं इसके? इसके 0 मार्क्स। ओहो, तो तरंग बिल्कुल नहीं पढ़ती? तो मैम ऐसा क्या करेंगे वो पढ़ने लग जाए? उसका कोई इलाज नहीं है, उसको खाली HKG A में भेजना पड़ेगा। तो मैम हमने तो आपके स्कूल में करवाया है हमारी बिटिया का एडमिशन, अब आप ही देखिए मैम क्या करते हैं। इसी स्कूल में HKG A है। अच्छा, तो इसी स्कूल में से आपको HKG A में से भेजना होगा। ठीक है मैम, आप थोड़ा सा डांट देंगे मैम मेरी बिटिया को? हाँ डांट दूंगी। तो मैम प्लीज डांट दो आप। वो अभी तो घर पे है। मैम वो यहाँ बैठी हुई है पास में, देखिए। आज के बाद तुमने ऐसा करा तो मैं स्कूल से बाहर निकालूंगी तुम्हें। मैम मैं घर पे बात भी नहीं मानती। इसने 4 की टेबल लर्न करी? मैम आप 4 की भी नहीं करी, 5 की भी नहीं की, 6 की। जब 4 की 5 की नहीं करी तो 6 की कैसे करेगी? अब इसके एकदम वीक खाएंगे। तो मैम आप प्लीज कुछ करो। मैम मैं कर दूंगी पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का? क्योंकि इसकी चोट लगी हुई है और सारे बच्चे इसकी चोट के हाथ लगाते हैं। अच्छा, तो इसके बहुत डर लगता है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। हम जाएं? अभी नहीं, थोड़ी देर और खेल लो, बस 5 मिनट। मैम मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरी बिटिया के बारे में पूछने आया हूँ। तरंग बेटा थोड़ा सा पढ़ाई करा करो। देखो आपके घर में सबके सब बहुत अच्छे टॉपर रहे हैं हमेशा, कभी किसी के 0 मार्क्स नहीं आए और आपके 0 मार्क्स आए हैं। आइंदा के बाद में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं सीधा मैम के पास लेके आऊंगा, फिर दोबारा फिर मैम आपको स्लेप लगाएगी। और इसके एकदम वीक नंबर आए हैं। सारे बच्चे के 100 आए, खाली इसके 0 आए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके अभी जाना है।